काटा जनम गाओ लोड युमा के मनी लवल निकाटा जनम गाओ लोड युमा के मनी लवल मेरा नाम भोपाल बिस्त है और मैं रहने वाला उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से हूँ। और वर्तमान समय में चिराग संस्था के साथ जो काम कर रहा हूँ, जो कि नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर ज़िले में काम कर रहे हैं। और वर्तमान समय में हम स्रोतों के संवर्धन को लेकर काम कर रहे हैं, स्प्रिंग रिचार्ज प्रोग्राम करके काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम समुदाय को जहाँ पर पानी संबंधी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम करें किस तरह से पानी की मात्रा को बढ़ाया जाए। जाए 80% जो परिवार है लगभग वो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है, जिसमें नौला धारा है मुख्य रूप से। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान समय में जिस प्रकार से सरकार द्वारा वहाँ पर काम किया जा रहा है, तो पाइपलाइन पे निर्भरता ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन है वो किसी ना किसी स्रोत से आ रही है। जो अगर गांव में काम करने की प्रक्रिया कहा जाए, तो हम लोग सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट करते हैं और पूरा एरिया में देखते हैं, अपने पूरी परियोजना क्षेत्र में देखते हैं किस गांव में वास्तव में पानी की समस्या है। और जिन गांवों में वास्तव में पानी की आवश्यकता है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा चिराग को प्रस्ताव आता है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की समस्या है, जिस पर काम किया जाए। और हमारी टीम गाँव पर जाके देखती है और एक प्री विजिबिलिटी करती है कि उस गाँव की स्थिति कितनी है, कितने परिवार उस गाँव में रहते हैं, उपलब्धता कितनी, यानी कि पानी का डिस्चार्ज कितना है और लोगों की आवश्यकता कितनी है। उसके आधार पर समुदाय का सहयोग कितना है, वहाँ पर लोगों का जुड़ाव कितना है, लोग हमको भविष्य में कितना सहयोग करें, उसके आधार पर गांव का चयन होता है। और चयन के उपरांत ग्राम स्तर पर जो होता है बैठकों का एक आयोजन किया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं पूरे ग्राम पंचायत के लोग, ग्राम पंचायत के लोग हो गए, वन पंचायत के लोग, विभिन्न संगठन जो ग्राम स्तरीय संगठन है उनके मिलकर एक आम बैठक की जाती है। उसी में तय किया जाता है कि किस स्रोत में काम किया जाएगा और क्या काम किया जाएगा। तो समुदाय या ग्राम पंचायत या वन पंचायत की NOC के बाद हम लोग उस गांव में काम करना प्रयास करते हैं। और काम करने की जो प्रक्रिया रहती है, हम ग्राम स्तरीय संगठनों के माध्यम से काम करते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हम जल समितियों का निर्माण करते हैं गाँव में, जो कि यूजर ग्रुप हैं, जो जिन लोग लाभान्वित हैं उस स्रोत से, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है। और शुरुआती तौर पर संगठन की क्या भूमिकाएँ होंगी, क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको लेकर ट्रेनिंग किया जाता है। और ट्रेनिंग के साथ साथ जो गतिविधियां हम लोग चिन्हित करते हैं, वो उन्हीं जल समिति के साथ करते हैं। उनको एक तरह का एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका अगर ये स्रोत यहाँ पर है तो उसका जलग्रहण क्षेत्र कहाँ पर है, उस जलग्रहण क्षेत्र को हम कैसे चिन्हित करेंगे, पत्थरों का क्या महत्व है, स्रोत अगर आपका कहीं पर निकला है तो किस कारण निकला है, एक पूरी हाइड्रोलॉजी की एक पूरी ट्रेनिंग उनके साथ की जाती है। और साथ में ही ग्राम स्तर पर कुछ ऐसे जो कि संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इस गतिविधि में, तो उनका चिन्हीकरण किया जाता है और उनके साथ फिर अलग से एक ट्रेनिंग कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है, तो उसको लेके पूरा एक ट्रेनिंग करते हैं कि जल चक्र वास्तव में क्या है, स्रोतों में पानी किस तरह आता है, समुद्र से पानी उठता है तो किस तरह से वो बारिश बादल बनता है, बादल के बाद बारिश होती है और ज़मीन के अंदर प्रदूषण, उस प्रक्रिया को थोड़ा एक ट्रेनिंग में एक दिन हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और पानी ज़मीन के अंदर किस तरह से गति करता है, उसके लिए क्या चट्टानों का क्या महत्व होता है, पत्थरों का क्या महत्व होता है, इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। पत्थरों के प्रकार को जानने के लिए जिस तरह से जियोलॉजिकल इक्विपमेंट जो एक्वाडियम पुणे द्वारा संस्था को सिखाया गया, एक ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया गया कि क्लाइनोमीटर के द्वारा उसका किस दिशा में पत्थरों का झुकाव है, पत्थर किस प्रकार का है, उसके झुकाव की मात्रा क्या है और स्रोत निकलने का मुख्य रूप से कारण क्या है, उसको समझाने के लिए हम फील्ड लेवल पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें लोगों को पत्थरों के प्रकार को समझाया जाता है कि कौन सा पत्थर क्या है और किसकी पारगम्यता और सच्छिद्रता कितनी है, पोरोसिटी एंड परमिबिलिटी क्या है, और उसके आधार पर उसका एक मानचित्र बनाने की हम बातचीत करते हैं, जिसे क्रॉस सेक्शन मानचित्र कहते हैं। क्रॉस सेक्शन मानचित्र के आधार पर उसका रिचार्ज एरिया और डिस्चार्ज एरिया को डिफाइन करने की कोशिश हम करते हैं कि ये अगर ये आपका स्रोत है तो यहाँ पर अगर किया जाए पत्थरों का ढलान किस एंगल में है, उसके सापेक्ष आपका स्रोत किस कारण से निकला है, किसी फ्रैक्चर के कारण निकला है, किसी कॉन्टैक्ट के कारण निकला है, किसी दबाव के कारण निकला है, उसको थोड़ा सा लोगों के साथ ट्रेनिंग में चार्ट के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम क्लियर करना चाहते हैं और लोगों को ये स्पष्टता लाते हैं कि आपका स्रोत यहाँ पर है तो इसका जरूरी नहीं कि कैचमेंट एरिया आपके ही गाँव पर होगा, जिससे लोगों को स्पष्टता आती है कि भैया हमारा स्रोत यहाँ पर है तो इसका जलग्रहण क्षेत्र हमारे गांव में ना हो कि दूसरे गांव में भी हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं एक स्पष्टता आती है इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। हाँ,
हमारे वहाँ पर काफी फर्क मिला है। अगर देखा जाए तो एक तरह की कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन लगा है कार्यकर्ता लेवल पर परिवर्तन लगा है कि वो गांव पे जाके किस तरह से समुदाय को जोड़ने की प्रक्रिया कर रहा है। एक तो कहीं ना कहीं समुदाय का जुड़ाव थोड़ा बहुत बड़ा है हमारे स्तर से। दूसरा जो हम गतिविधि कर रहे हैं तो उसमें लोगों का अपनत्व की भावना थोड़ा ज्यादा लग रही है। लोगों को लग रहा है कि हमारा काम है तो उसमें ज्यादा वो इच्छा से लोग जुड़े हैं। विशेषकर महिलाएं उसमें ज्यादा काम कर रही हैं तो काफ़ी गांव में केवल महिला ही पूरा काम कर रही है। जो अगर निर्माण संबंधी गतिविधियाँ हैं या उसके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है या डिस्चार्ज मेजरमेंट जो करना है या उसकी वाटर क्वालिटी करनी है तो उसमें ज़्यादातर महिलाओं का ही जुड़ाव आज की डेट में हमारे वहाँ पर ज़्यादा है। सरकारी जंगल लची मामा जानी काट लची मामा जानी काटा ओ सरकारी जंगल लची मामा जानी काट लची मामा जानी काटा ओ पत्रोला रिसाल लची मामा जानी काट लची मामा जानी काटा ओ पत्रोला रिसाल लची मामा जानी